गूगल न्यूज छत्तीसगढ़ में करते हैं आप सभी का स्वागत। तो चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की आज की एक एक करके सभी बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पुलिस ने दो लोगों को 78 लाख रुपए कैश के साथ पकड़ा है। बताया गया है कि दोनों आरोपी ओडिशा की ओर से कार की डिग्गी में पैकेट में छिपाकर इतनी बड़ी रकम ले जा रहे थे। वही पुलिस ने जब इन आरोपियों से पूछताछ शुरू की तो ये गोलमोल जवाब देने लगे, जिसके बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। महासमुंद पुलिस ने ये कार्रवाई बसना में खटखटी चेकिंग पॉइंट के पास की है। प्रदेश के कृषि मंत्री ने दुर्ग और बालोद जिले में कम बारिश की वजह से चिंता जाहिर की है। उन्होंने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश के कई जिलों में छिटपुट बारिश हो रही है, इसकी वजह से सूखे की आशंका है। यह देखते हुए सिंचाई के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। 15 अगस्त के कार्यक्रम के बाद जनप्रतिनिधियों ने सीएम से मुलाकात की थी। सभी ने मुख्यमंत्री के सामने ये मांग रखी कि पानी की कमी की वजह से अब जलाशयों में पानी छोड़ा जाना बेहद जरूरी है। रविंद्र चौबे ने कहा कि दुर्ग और बालोद में बारिश कम हुई है। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में 10 से ज्यादा लड़के लड़कियां कई घंटे तक नाले में फंसे रहे। ये सभी वाटरफॉल देखने के लिए गए थे, लेकिन लौटते वक्त अचानक बारिश शुरू हो गई और रास्ते के कई नाले में बाढ़ आ गई। उसी नाले के दूसरी तरफ सभी फंस गए, जिन्हें कुछ युवाओं ने घंटों की मशक्कत के बाद बचा लिया है। घटना 15 अगस्त यानी रविवार की है। अंबागढ़ चौकी इलाके में हुए विरोध प्रदर्शन का असर दिखाई दे रहा है। अब सोमवार को सरकार ने नया आदेश जारी कर अंबागढ़ चौकी को मानपुर मोहल्ला जिले में शामिल कर दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब नए जिले का नाम भी बदल दिया गया है। अब नए जिले का नाम होगा मोहल्ला मानपुर चौकी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को राजनांदगांव जिले से मुलाकात करने आए एक प्रतिनिधि मंडल के आग्रह पर यह घोषणा की है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से ठीक पहले तारबहार सिरगिट्टी रेलवे फाटक के पास सोमवार दोपहर बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक ट्रेन का इंजन बिना ड्राइवर स्टार्ट होकर बिलासपुर स्टेशन की ओर लोकोशेड से सिरगिट्टी की ओर निकल गया। कुछ दूरी तक पटरी पर दौड़ने के बाद इंजन खंभों और सिग्नल को तोड़ता हुआ सड़क पर उतर गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 15 अगस्त की शाम रायपुर के गोल बाजार पहुंचे। यहां नगर निगम ने अपने प्रोजेक्ट के तहत व्यापारियों को मालिकाना हक दिया है। करोड़ों की जमीन सस्ते दामों पर कारोबारियों को मुहैया कराया गया है। इस खुशी में आजादी की 75वीं सालगिरह की शाम गोल बाजार के व्यापारियों ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। महापौर एजाज ढेबर, सभापति प्रमोद दुबे और विधायक यहां पहुंचे हुए थे। सीएम ने इस दौरान मंच से कहा कि जो न मिले कहीं मिलेगा यही। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के दोरनापाल इलाके में हेल्थ वर्करों ने मानवता की मिसाल पेश की है। यहां स्वास्थ्य कर्मियों ने दर्द से कहरा रही गर्भवती महिला को 5 किलोमीटर पैदल चलकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया है, जहां उसकी डिलीवरी हो सकी है। खुशी की बात यह है कि इतनी परेशानियों के बावजूद भी माँ और बच्चा दोनों एकदम ठीक है। सोमवार 16 अगस्त के दिन देश भर के लोग पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पिछले 7 दिनों से बारिश नहीं होने के चलते किसानों की परेशानियां बढ़ गई है। स्थिति यह है कि खेतों में दरारें आने लगी है, वहीं जलाशयों में भी जल स्तर कम हो गया है। पिछले 10 सालों की तुलना में इस बार जिले में अब तक औसत से 65 मिलीमीटर कम बारिश हुई है, जिसका सीधा असर अब किसानों पर देखने को मिल रहा है। वही मौसम विभाग ने 17 अगस्त को जिले में भारी बारिश होने की आशंका जताई है। छत्तीसगढ़ में राहत भरी खबर आई है सामने। 15 अगस्त को प्रदेश में इस सप्ताह के सबसे कम मरीज मिले हैं। प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 49 कोविड मरीज मिले हैं। प्रदेश में लगभग 17,530 सैंपलों की जांच हुई थी। अब इस वजह से प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट भी घट गई है। नए आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 0.2% नई कोरोना पॉजिटिविटी दर है। 114 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। कांकेर में एक व्यक्ति की मौत की खबर आई है। बिलासपुर में डेल्टा प्लस वेरिएंट पर राहत भरी खबर आई है सामने। जांच के लिए भेजे गए 456 में 320 की रिपोर्ट आई है निगेटिव। 136 सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। तीसरी लहर की आशंका के चलते सिम्स कर रहा है टेस्ट।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सोमवार से फिर वैक्सीनेशन शुरू। शनिवार को वैक्सीन की 29,500 डोज जिले को उपलब्ध कराई गई है। इसमें 28,000 डोज कोविशील्ड और 1,500 कोवैक्सीन की डोज शामिल है, जहां शहरी क्षेत्रों में संचालित 53 सेंटरों समेत कुल 178 सेंटरों पर टीका लगाया जाएगा। पारा जिले का 21 साल का युवा अनिल कोरोना काल में ग्रामीणों के लिए देवदूत बनकर काम कर रहा है। महामारी के दौर में भी अनिल दिन रात ग्रामीणों की सेवा में लगा हुआ है। अनिल नक्सल प्रभावित इलाकों के 5,000 से ज्यादा ग्रामीणों तक राशन के पैकेट पहुंचा चुका है। वहीं बीमार ग्रामीणों का इलाज करवाने के लिए खुद की बाइक को एम्बुलेंस बनाकर मरीजों को अस्पताल पहुँचा रहा है। यही नहीं, यह नौजवान अब सुदूर इलाके के बच्चों के बीच शिक्षा की अलख लगाने का प्रयास कर रहा है। इस काम में अब उसके दोस्त भी उसके साथ देने लगे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर और हमारे YouTube चैनल गूगल न्यूज छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।